हुसैन जहानिया कंडेरी आज हमारे घर में। उन्होंने ये जो पौधा लगाया था आज अपनी अपीयरेंस के बाद पूरे डिस्ट्रिक्ट में खाली और जो हमारा असल काम था इस खत्ते में इस खत्ते के नौजवानों को तालीम से बेहरावत करना उस काम में मशगूल है वो मंजर भी हमें हासिल करना है हमारा असल मकसद। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तालीम फोकस किया है, हुकूमत पंजाब भी इन्हीं लाइन्स पर आगे आ रही है और हम सबको मिलकर उन्हीं लाइन्स पर चल कर अपने माशरे को इस हद तक एजुकेट करना है। कोई भी मसला हो, कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, हम एक वैश्विक सोच के साथ उन तमाम मसाइल से निपट सकते हैं। और जनाब अपने इस इदारे की हद तक, अपने इस लोकेलिटी की हद तक हम आपको यकीन दिलाते हैं, आपके मिशन में हम आपके साथ खाना बनाना खड़े हैं। और जिम्मेदारी नहीं कि आप लोग कर, क्योंकि हम सब इसी मुआशरे का हिस्सा है, इसी मुआशरे के सिटीजन हैं आप भी और हम भी। तो आप में से हर कोई अपने घर के पास, अपने प्लॉट में, अपनी जमीन में, अपनी नेबरहुड में, अपनी लोकेलिटी में, अपने कॉलेज में एक एक पौधा एटलीस्ट जरूर लगाइए, उसको प्रोटेक्ट कीजिए ताकि हम अपने आने वाले नस्लों की जो मुस्तकबिल है उसको सिक्योर कर सकें। इसी तरह से आप लोगों की जिम्मेदारी है सरकार और चिप रही पर मुख्तलिफ दिनों में कोई एक
एक एक पौधा लगा के एक एक तस्वीर खिंचवा के अखबार में शाया करवा दूं, तो क्या ये हमारा सृजनकारी का मकसद पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? यकीनन ये अमल एक सिंबॉलिक तो हो सकता है, ये लेकिन इस मुल्क में, इस खिते में, इस इलाके में इतनी हमें शजरकारी की जरूरत है, उसके लिए कतन तक काफी है। और इसके लिए मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि इस वक्त पंजाब के सिर्फ 2.5% रकबे पे शजरकारी हुई हुई है, जो आम हालात में जो माजी में थे, जब क्लाइमेट चेंज का एक खतरा हम पे मंडराने नहीं लगा था, उस वक्त भी इतनी तादाद किसी एक सेहतमंद माशरे के लिए और एक जरखेज इलाके के लिए ना काफी थी। इतनी तादाद में अगर कम रख होंगे तो उससे न सिर्फ हमारा माहौल खराब होगा, न सिर्फ इंसानों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, बल्कि ये जमीन जो न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि तमाम जानदार के लिए रिस्क पैदा करती है, ये जमीन बंजर होती चली जाएगी। और इस जमीन को अगर हम चाहते हैं कि बंजर ना हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारी पैदावार वक्त के साथ साथ जैसे हमारी जरूरियात बढ़े उसमें भी इजाफा हो, चाहे वो विदाई जरूरियात हो, चाहे हमें तल ढांपने के लिए फाइबर की जो जरूरत है वो हो, ये तमाम की तमाम जरूरियात हमें इस माँ धरती ने देनी है। और इन जरूरियात को पूरा करने के लिए हमें इस धरती की सबसे पहले हिफाजत करनी है, और ये अपनी हिफाजत के लिए हमसे कोई ज्यादा कुछ नहीं मांग पाई, यही मांग पाई है कि इस माहौल को साफ करने के लिए इस माहौल का जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल रखने के लिए और इस जमीन की दरखेजी को बाहर रखने के लिए हमें दरख्त लगाने पड़ेंगे। मैं यहाँ स्वीडन की मिसाल देता हूँ। स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जिसका टोटल एरिया का 75% में जंगलात कायम है, और उन जंगलात को वो ब्लैक गोल्ड का नाम दिया गया है, और वो कहते हैं कि ये हमारा सोना है जो सुनहरी रंग का नहीं बल्कि काले रंग का है, लेकिन ये दरहकीकत
हमारे लिए इतना ही है, इतना सोना है। तो आज हमें इन मुल्कों से जिन्होंने दुनिया में तरक्की की है उनसे सबक सीखना चाहिए। और तरक्की की दौड़ में हमें कोशिश करनी है कि हम पीछे ना रहे। जहां आप इल्म हासिल करते हैं इसीलिए कि आप तरक्की जाफ्ता ममालिक की सबसे आ सके, वहीं पे आपने यही आपका इल्म जो है आपको माहौल साफ रखने के लिए भी अच्छा है। और हफ्ता आज जैसे मौसम बहार शुरू हो रहा है और ये शजरकारी का मौसम है और हम एक कैंपेन चला रहे हैं शजरकारी के हवाले से, इसी तरह सफाई के हवाले से भी आप मैं अगर हम सफाई पे बात करूंगा तो लंबी हो जाएगा। सफाई के भी आपको उसी तरह तरह जो देनी चाहिए और यही वजह है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने जो नारा दिया है वो नारा है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। और हम मिलजुल के पाकिस्तान को सरसब्ज भी बनाएंगे और पाक साफ भी बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान पीटीआई पाकिस्तानी हुकूमत कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कमर बनता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।